सर राइट वाला गॉगल चाहिए भाई, राइट साइड एक्शन करो ना सर। मेरे मेकअप वाले आयरन मेकअप वाले डायरेक्टर उधर से निकल सारा भाई क्या उधर सर और सर दिस साइड थोड़ा इधर बोलो ना थोड़ा इधर बोलो ना आइए नाइस रुकिए सर रुकिए रुकिए फिर उधर खींच रहा है अरे कौन है रे स्लो आदमी उधर कैसे मालूम भाई हम लोग जाने वाले सर राइट में देखे राइट अरे मैडम निकल जाओ वहाँ पता चला इधर ही आगे सामने ही खड़ी हो सर राइट सर हो गया और बाद में आएंगे वो कंगना के साथ आएंगे ना राइट साइड राइट आपके राइट साइड सर टुवर्ड्स योर राइट क्या किया भाई अरे इधर बोला ना इधर देख रही है ना इधर फोन गिरा भाई कैमरा भी गिरा बस तो आवाज ही नहीं दे रहा राइट साइड पासिंग मशीन कब बंद होएगा भाई पंडित जी इधर मोबाइल में खिंचवा दे श्रेया जी साथ में आइए श्रेया साथ में इधर खड़ा करती है चलो
माइक में ये थोड़ा इधर ध्यान रखते हैं। अरे टीवी वाला मैं अभी राइट में है। उसको बुलाना, उसको भी बुलाना। मैं भाई आपकी साथ में आइए। इधर देखो, इधर इधर वीडियो के लिए, इधर इधर यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये इधर ही देखो, इधर हो गया। अरे उधर मत देखो, उधर हो गया। इधर देखो, इधर अब इधर देखो। अरे यार कचरा कचरा करते हैं। सर मास्क गार्डन में घूम रहा है वो। हाँ छुट्टिया यार, वो कंप्लेंट करना ऐसा नहीं चलेगा। अरे यार ये क्या जगह है, वहाँ पासिंग बंद ही नहीं हो रहा है। अरे कितने देख ही नहीं रहा यार। ये बार रुका, उधर रुका, अरे रुकना जरा, बोले तो दो बात पाल जी सोलो। अरे उसे इशारा करीब आया, उसे छोड़ के। अरे वो कंगना की मैनेजर। चलो हो गया, चलो मुकुट जी सेंटर में आइए, सेंटर में। सर सर मुकुट जी सेंटर में आइए, सेंटर में। अरे दिव्या जी भी आ गई, चल वेरी गुड। फुल स्टार का इतने ही तो है चार। सर लेफ्ट साइड भाई, उधर जाओ, रुका के रख। अरे देगी देगी, रुक जा देगी। अरे देगी बे, रुक ना, आई है तो बिना कपड़ा दिखाए थोड़ी जाएगी। कंगना जी आपके राइट से शुरू कीजिए। ये भाई उधर अभी किधर चढ़ा देगा, अभी उसे राइट 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 कंगना जी राइट। इसके लिए अंदर नहीं छोड़े, समझा? अंदर जाएंगे तो अंदर भी सोफे के ऊपर चढ़ जाएंगे। कंगना जी, कंगना जी आए। नाइस नाइस। कंगना जी
भी नहीं बताया, उसको 50 फोन किया, वो फोन ही नहीं उठाया। अरे पीआर को 50 फोन किए भाई, मराठी टीम को किसी ने फोन ही नहीं उठाया। वो तो उधर रहती है ना भाई, उनको पता ही है। अरे लेकिन आते हैं कि नहीं पहले फोन आते हैं वो तो देखो, एक घंटा तो जाएगा कम से कम। हाँ तो ऑफिस में बोल के दूसरा गाड़ी दे रहे तो देखो। बस है बस, हमारे वो लोग तो बोल रहे हैं उसको ऑफिस में दूसरा गाड़ी दे रहा जी का सोलो नहीं हुआ है, हो गया ना। ये गार्डन कब बंद होएगा भाई? ये भाई रुक के रख, से पीछे भी रास्ता है ना, जाएंगे भी उधर से, हम लोग इधर खड़े हो। दिव्या जी, दिव्या जी, अर्जुन सर, अर्जुन सर आइए। अरे कड़क हो गया एकदम। पूरा गार्डन ही है भाई, देख। अरे अपना फ्रेंड भाई, इसका नाम क्या? छोटू का शारिफ भाई, शारिफ भाई आओ। अरे लाल कोट वाला कौन? शारिफ भाई, हाँ शारिफ भाई, ये आगे चल। अर्जुन, 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 अर्जुन सर, अरे कंगना जी आ गई वापिस। कंगना जी, अरे क्या कर रहे यार? अरे कौन है यार ये? अर्जुन क्यों नो किधर गई भाई? कंगना नहीं आई यहाँ पे, देखिए सब आ है ना पीछे। अर्जुन सर इधर,
कंगना जी, कंगना जी, कंगना जी, कंगना जी, ये क्या कर रहा है भाई? फोटो, फैमिली फोटो बना रहा है। अरे यार
चले इधर इधर छोड़ Ali
हाँ हीरा जी, अरे पूनम पांडे, अरे तू देख ही नहीं रहा भाई, ओ अरे पूनम पांडे तो बोलता है चलिए अपने को अरे नहीं भाई अरे इधर सब सिंगर लोग हैं भाई सोलो में दिखा रहा सोलो में भगा देंगे भाई बिलारुन बिलारुन सबको भगा देंगे अरे सामने वाले को हाइलाइट कर दे क्या ओ सेल्फी अंकल पूनम जी आइए सोलो अरे पीछे चलो चाचा पूरा बैकड्रॉप पे फ्री क्लियर आ गया वहां पूनम जी दिखा दो राजा मां बोलो Ishan, Ishan, stop first. Right man, right man.
किशन क्या करता है उसको नहीं पता है ना उसका मुंडो पक्का होना बाहर निकल देता मेरे पास ही आएगी बाहर साथ में रंगोली भी आए भाई अभी लूंगा ना रंगोली अरे इसको भागा कौन है अरे सॉरी बोलो भाई तुमको नोटिस अरे मिलेगी तो बोल दूंगा बोलूंगा भाई मैं आपको देखा ही नहीं अभी छोलो लेने के लिए अभी सेल्फी लेने के लिए खड़ा है ज़्यादा
वेट 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 आराम आराम से चलो आराम से सुनो 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 तो अरे जी ले जी अरे फोन तो पीछे ले भाई ओ सेंटर में आपके अंजलि है बिलाल बिलाल आई अंजलि की अरे तो फोन पीछे ले ना भाई आराम से पीछे जाट के पीछे से चलो अभी अरे चलो भाई चलो 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 मैडम जी को जाने दो इधर आइए भाई अरे भाई आगे ये जोरदार भाई अली भाई नाइस लुक है अली भाई वेट 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 अली भाई नाइस लुक है सर सर फोटो नहीं बस अरे बच्चा सर सर फोटो ये दीवारी को पहले दे दो जिनके साथ आपकी एक थिंकिंग एक अंडरस्टैंडिंग मैच हो
अगर आप लोग ने देखा है तो ऑब्वियसली मैं अब मैं तुमको झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ अरे मेरे पास की बहुत अच्छी दोस्ती है, कर्टियस हूँ मैं, पर दोस्त मेरे यहाँ है ठीक है, तो इसीलिए मैं इधर बस, बाकी तो यार भाई अपना यार वो अंदर अटक गया है, वो अंदर अटक गया है यार। चलो आप चलो तो बस अभी मेरा कैरेक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो शेष नागिन के सामने जाके यू नो बराबरी की टक्कर देता है, एंड प्लस तेजस्वी एक बहुत फ्रेंडली पर्सन है, एक वार्म पर्सन है, तो वो यू नो मतलब अगर कुछ भी करना होता है ना मैं उसको बोलता हूँ कि यार मैं तेरे को डायलॉग ऐसे बोल दूंगा या कुछ, तो वो उसको एनहेंस करने में हेल्प करती है, वो उसको अच्छा करने में हेल्प करती है, और ऑब्वियसली वो पहले से करती आ रही है नागिन में अपने जो साथ, तो उसने मेरे को एक यू नो एक वेलकमिंग वाइब जो होती है उसने मुझे वो दी, शी मेड मी फील वेरी गुड, मेड मी फील वेरी कम्फर्टेबल, तो मेरे को उसके साथ सीन्स करने में मजा आता है, और हम लोग के सीन्स हमेशा ऐसे होते हैं कि नागिन मैं आ गया, तो वो भी एक वाइब रहती है, हम लोग दोनों एक दूसरे में छेड़ते रहते हैं कि आज तो तू गई, तो बस बहुत ही फन एक हैप्पी एटमोसफियर रहता है सेट पे और बहुत मजा आता है। आप लोग सब देखना प्लीज 8 बजे कलर्स टीवी पे सैटरडे संडे नागिन छे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, जितने सरप्राइजेस थे पिक्चर में मैं मतलब आई वाज एस्टोनिश्ड, मैंने बोला भाई ये अब क्या, और फिर कुछ ना कुछ आ जाता था, तो आई थिंक बहुत अच्छी मूवी में बहुत ज्यादा वाव फैक्टर्स थे और मजा आ गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने फर्स्ट इंटरवल से पहले पार्ट नहीं देखा, हेलो दैट्स आप बताइए कैसे लगे। ओह मैन शी इज द न्यू स्कारलेट जोहानसन ऑफ इंडिया सीरियसली। बस यही है कि फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है। हेलो ये देखो इज माय बेबी। और मैंने ऑलरेडी प्री बुक करके रखा है संडे का, तो मुझे आज आने में लेट हो गया है लेने में। यस बहुत तारीफ हो रही है फिल्म की। यस ये सारी तालियां मेरे डायरेक्टर रेजी खाई को डिजर्व करती है, बिलोंग करती है, सो बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। वो बैकड्रॉप ले, वो बैक मैन आई थिंक लास्ट वो एक बहुत 50 साल पहले आई थी, देर वॉज दिस मूवी वेर दिस वुमन वॉज एक्शन हीरो ऑफ इंडिया, आई थिंक शी इज द एक्शन हीरोइन ऑफ इंडिया नाउ, रियली व्हाट एन अमेजिंग जॉब, व्हाट एन अमेजिंग जॉब, स्टाइलिश, वेरी हॉलीवुड टाइप की पिक्चर एंड विद ईज, पता है ऐसा वो बोला ना एक तो एफर्ट लगता है टू फाइट और टू दीज काइंड ऑफ एक्शन सीक्वेंसेज, शी डिड इट विद सो मच ऑफ ईज, ऐसा लगता है कि आई थिंक या शी लिटरली शी इज अ नेचुरल मैन, तो सलमान भाई अक्षय कुमार ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत एक्शन हीरोज एंड सुनील शेट्टी सर। थैंक यू टू एवरीबडी रियली, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है दैट पीपल लव यू, रियलिटी शोज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीतना इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, ट्रॉफी इज अ बाई प्रोडक्ट, बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट एनी एक्टर और एनी परफॉर्मर एनी रियलिटी शो और टी वी और मूवीज इज द अप्रिसिएशन, हिट हो फ्लॉप हो वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अप्रिसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसे तो सब कमाते हैं शो में, या यू हैव टू सी व्हाट डिड आई गेट आउट ऑफ इट, जब रिश्ते कमाए, फ्रेंडशिप्स कमाए, लोगों का प्यार, यू नो आई डोंट सी फेट ऑफ द फिल्म हमारे हाथ में नहीं है, बट द वे शी इज परफॉर्म्ड उसको लाइन लगने वाली है ऑफ एक्शन मूवीज, बिकॉज शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब रियली, थैंक यू, थैंक यू।
धाकड़ फिल्म सच में धाकड़ है. बॉलीवुड में इतनी अच्छी मूवी बनी है और देख के बड़ा मज़ा आया. मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जाएं और ये मूवी देखें. धाकड़ ऑसम मूवी है. क्या काम किया है, क्या काम किया, क्या डायरेक्शन, क्या परफॉर्मेंस. हाँ बाप रे बाप, अकेली एक कंगना सौ पे भारी है. क्या मारा है. ऐसे बता कि मतलब आपने फिल्म देखी? देखी मैंने, गोलियां मारी आपने. कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी. मैंने पहली बार देखी इनफैक्ट, और पहली बार देखने का मज़ा ही अलग होता है. और सबके साथ फिल्म देखना, अपने रोल को देखना, पूरी फिल्म को एंटायरली देखना, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. बहुत अच्छी लगी. बहुत कमाल का एक्शन है. इट्स रियली लवली. और दिस हर परफॉर्मेंस, आई एम दैट्स आई कैन डू दिस फॉर यू. व्हाट अ परफॉर्मेंस. देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल लेडी. ओह माय गॉड, थैंक यू. I really enjoyed, and this kind of overwhelming response is just brilliant. मजा आया ये वाला रोहिणी करके. So much, thank you. Fantastic, super, amazing, amazing, super. I love the movie, amazing movie. I am Kangana, I'm a huge fan of Kangana, ma'am. And it was a great movie, great performance by Arjun Rampal, super, and overall amazing. So was the music. So I think overall amazing movie, must watch movie for everyone. यार बहुत अमेजिंग एक्शन था. और यूजुअली हम लड़कों से, यूजुअली लड़के लड़कों से इंस्पायर होते हैं एक्शन में, लेकिन यहाँ हम कंगना से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, तो बहुत मज़ा आया देखने में. प्लीज़ देखो ये फिल्म. बिल्कुल जी, हम ओवरवेल्म्ड है. वी आर ब्लेस्ड, और आप लोगों की वजह से ऑडियंस तक हम पहुंच पा रहे हैं. और थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार. भाई बहुत बहुत अच्छी मूवी है. इनफैक्ट मेरे को, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट्स थे जहाँ मेरे को लगा कि अब क्या, अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, बट कुछ ना कुछ हो जाता था. एंड यू नो, एक सरप्राइज हो जाते थे हम लोग. सो आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट्स है, बहुत शॉकिंग मोमेंट्स है. एंड आई थिंक एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी. अमेजिंग जॉब. द एंटायर टीम ऑफ धाकड़ हैज डन एन अमेजिंग जॉब. आई एब्सोल्युटली एंजॉय द मूवी. मूवी अच्छी, बहुत अच्छी लगी. और बहुत टाइम के बाद कोई एक्शन मूवी देखी मैंने. बाहर आके दो मूवी देखा, दोनों एक्शन नहीं थी, तो ये पहली बार मैंने इतने टाइम के बाद कोई एक्शन मूवी देखा. बहुत ज़बरदस्त एक्शन. और अर्जुन रामपाल, शारिफ भाई, कंगना, दिव्या दत्ता, सब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है. और बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने. और हम लोग की 15-20 मिनट की स्टार्टिंग की मूवी छूट गई, जिसमें बहुत एक्शन सीन्स थे आई थिंक, तो बाकी का बहुत मज़ेदार मूवी. वेरी गुड. इसीलिए तो, अरे एक 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 सीन तो बहुत ही खतरनाक है. कोयले की खान में जो फाइट सीन है वो तो बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी. बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और बहुत सारा प्यार है. बस अभी चीज़ें बाहर आने के बाद जो प्रोजेक्ट थे उन पर काम शुरू है, तो मेरे ख्याल से लोगों को बहुत ही जल्द वो सारा प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे. बिल्कुल, पता नहीं क्या है, बट सरप्राइज है ऑडियंस के लिए, थोड़ा सस्पेंस है, बट आ रहा है बढ़िया सा. क्यों, मैं कर सकता हूँ एक्शन मूवी? नहीं नहीं, मेरे को कॉमेडी मूवी करनी है, बट साथ साथ में अगर मुझे कोई साइको किलर का रोल मिले तो भी मैं कर लूँगा. पूरी खाना चाहिए यार, और हम पानी पूरी खा रहे थे.
नहीं अच्छा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे इसको वड़ा पाव खिलाना है, पानी पूरी खिलाना है, मुंबई में है, लेट्स डू दैट। आप सबको लेके हम लोग मस्त पानी पूरी वड़ा पाव जू चौपाटी चलते हैं, जू चौपाटी में हम यूज कर सकते हैं। क्या सभी को करती हूँ अभी धाकड़ की चर्चा और धाकड़ में रहते हैं। किसी ने मुक्का उक्का खाना है पूनम से तो बात करो अभी। वो अभी थोड़ा फॉर्म में है धाकड़ देख के। आई रिमेम्बर ऑल माय ड्रामा शी रिमेम्बर। वो आंखों से और जुबान से गोलियां मारती है। तुम्हें की मैंने जुबान पूनम जी हर खाएगा मार खाएगा पूनम जी आज नहीं होगा एक बार हो जाएगा आज 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 हमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट सिर्फ एक्सक्लूसिव आज हमारे लिए खाली एक्सक्लूसिव ना हमारे लिए एक्सक्लूसिव क्या एक्सक्लूसिव तो एक बार नहीं। माय मदर सॉ द वीडियोस एंड शी टोल्ड मी डू नॉट गेट योर टंग आउट डू नॉट। फैंस को बहुत पसंद आता है स्पेशली आपका लाइव जो मिस रात के जो 12 बजने के बाद जो आपके लाइव आते हैं। मैं पक्का प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो मैं करूंगी। मैम आपके आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है, गुजरात या फिर लखनऊ? क्रिकेट तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है ना? मैं भी फॉलो नहीं कर रही तो आई कांट फॉलो। फेवरेट एक्टर बता दो। चलो फेवरेट एक्टर है कंगना रनावत। कंगना रनावत फेवरेट एक्टर। धाकड़ देख के आई हूं और बहुत ही धाकड़ मूवी है। फेवरेट क्रिकेटर तो बता दो, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? दोनों।